आजादी हमारी परवाज के रास्ते में ये जो एक बाहर से मुदाखलत और साजिशों के एक पुतले बिठाए गए, सबको दुआ करना चाहिए कि हमारी ये परवाज जो रोक रही है, जो कौम ने अजीम कौम बनना है, उसके लिए हम अपनी जंजीरें तोड़े ताकि हम आगे बढ़ सके, गुलामी की जंजीरें तोड़े। सबको इसकी दुआ करनी चाहिए कि कभी भी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जो जिसमें जहनी गुलामी हो। कोई कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जो कि गुलाम हो, जिसके जहन में गुलामी हो, जो जिसकी जंजीरें बंधी हुई हो कि जी हम क्योंकि बेकारी है तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी, कहेंगे हम लाइफ सपोर्ट मशीन है तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें वो है जो कि हमें हमारा मुकाम है, हमारी जो ख्वाब है पाकिस्तान, उस ख्वाब के ऊपर पहुंचने के लिए हमें रोक रही है। तो आज मैंने खास गुलाम साहब आपको इसलिए दावा किया कि कौन की दुआ करे, कौन के लिए, मैं अपनी पार्टी के बात करता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए दुआ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप दुआ करें। हम जो हमने बनना था उस रास्ते पे हम फिर वापस आए, जो हम बदकिस्मती से हम अपना रास्ते गुम हो गए और हम अपना रास्ता खो बैठे, और हम अपने जो पोटेंशियल ने जो भी ताकत की हुई है, जो उसने कहा मैं अशफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, कि जब इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है लेकिन गिरता तो जानवरों से भी नीचे चला जाता, तो हम कुछ भी बन सकते हैं, हम जमीन पे चूंटियों की तरफ भी जा सकते हैं और हम फिर फरिश्तों से भी ऊपर जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। और ये सब हम समझेंगे कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए हमारे दिलों में आ जाए।